किसान भाइयों, ये ट्रैक्टर जो न्यू होलैंड की जो वर्कशॉप है उसमें वहाँ पे सर्विस के लिए आया हुआ है। और भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त है, 90-10 है, 90 HP का। इसके टायर हैं जी कितने हैं, 18-4-30 के हैं भाइयों। और अगले हैं ये 4x4 है, 12-4-28-24 के आगे वाले। इसके बारे में हमारे चौधरी साहब यशवीर जी थोड़ा जानकारी देंगे, तो थोड़ा बताओ उसके बारे में कैसे कैसा है, बहुत बड़ा ताम झाम है। जी हाँ, ये इंडस्ट्री का मतलब भारत की ट्रैक्टर इंडस्ट्री का लगभग सबसे बड़ा ट्रैक्टर है। 90 HP के ट्रैक्टर और भी कंपनियाँ कुछ देती हैं, लेकिन जो तकनीक न्यू होलैंड के पास है बिल्कुल इम्पोर्टेड, वो 90 HP में किसी के पास नहीं है। जैसा कि सभी किसान भाइयों को विदित है, हमारे जो हाई टेक्नोलॉजी है उसके लिए ही न्यू होलैंड जाना जाता है। और ये ट्रैक्टर हमारा 4000 CC का इंजन, 4 सिलेंडर, फुली सारे इसमें मतलब सिंक्रोमैस गियर बॉक्स, एक्चुएटेड हाइड्रोलिक ब्रेक और लिफ्टोमेटिक, और जो इसका 24x24 का गियर बॉक्स आया है इसमें। अच्छा, और PTO भी इसमें, रिवर्स भी है, इकोनॉमिक भी है। जो फ्यूल टैंक है इसका, ये 100 लीटर, 110 लीटर, ये 60 और ये 50, 110 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक है। अच्छा, दो जगह दिया है? बिल्कुल दो जगह दिया है, ऑक्सिलरी टैंक और इसमें, और ये इसमें वेट, और ये पीछे आप इसे देखिए 2500 क्विंटल की इसकी हाइड्रोलिक कैपेसिटी है। और ज़्यादातर जो रिमोट वाल ट्रैक्टरों में देते हैं इंडियन मार्केट में, वो डबल एक्टिंग होते हैं, ये क्वाड्रिपल एक्टिंग है, यानी चार वाल वाला रिमोट वाल है ये। और सारे ही जो भी इम्प्लीमेंट मॉडर्न से मॉडर्न हो सकते हैं उन सब को चलाने में सक्षम, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कंपनी ने ये ट्रैक्टर बनाया हुआ है। जी सर, कौन सा मॉडल है? ये है जी 19 मॉडल ट्रैक्टर है। अच्छा। और ये एक अमेरिकन कंपनी है जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है वेस्ट यूपी में। अच्छा जी। एग्रिस्टो के नाम से जी। वो पकेटो का उनका काम है, वो कहते हैं कि जो हमारे हैवी इम्प्लीमेंट्स हैं, चाहे वो प्लांटर हो चाहे हार्वेस्टिंग हो पोटैटो की, वो किसी ट्रैक्टर से नहीं हो पाती इसके सिवा। उनके पास ये 4 ट्रैक्टर हैं, और सर्विस इसके लिए मेरे पास 2 आए थे, एक चला गया, एक को आज ये सर्विस होके तैयार है, चला जाएगा। तो बता रहे हैं उसका लोड पे कितना खर्चा आ जाए चलाते हैं इसको? जो इस पे मैक्सिमम अगर इस पे लोड डालते हैं, जैसे कि मैंने बताया 4000 CC का इंजन है इसके अंदर, बड़ा ट्रैक्टर है, अब 28 क्विंटल इसका खुद का अपना वेट है इस ट्रैक्टर का, तो ये 9 से 10 लीटर तेल मैक्सिमम लोड पे लेता है। काम भी बहुत करता होगा। हाँ, इसमें आप ये 17 का या 19 टैंक का डीलर लगाएं, और जो प्लांटर है वो 5 फाली वाला वो चलाते हैं, 5 जो बूल बना रहा है उसको इस पे चलाते। तो जैसे डीलर इस पे अगर जोड़ दें, अगर 10 लीटर खाएगा जुदाई कितनी करेगा, 50 रुपये कर देगा? कौन से वाला, कौन से टैंक का सर? जो डीलर जो है इसका 15 का या 17 का? नहीं 17 का। तो कितना एक घंटे पर कितना निकाल देता? 50 रुपये आराम से निकाल देगा। हाँ बिल्कुल। तो कुछ भी खर्चा नहीं अगर हिसाब लगाया जाए? हाँ, अगर इम्प्लीमेंट बड़े होंगे तो छोटे ट्रैक्टरों से कम खर्चा आएगा इसका। नहीं तो है नहीं, इस पर 9 का डीलर चलाऊंगे तो फिर तो बेकार है। नहीं नहीं, 9 के लिए नहीं। तो आवाज़ सुनवा दोगे इसकी एक बार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाइयों, ट्रैक्टर क्या है तो अजूबी चीज़ है। हाँ जी, हाँ गियर कार देख ले, कहीं भगा चला जा, चाबी इनकी नहीं आ रही है भाई। ये 4 सिलेंडर है, आइयो आयशर का दम देखिए, 485 पेटे मेरे शेर कितना वजन लेकर आ रहा है। वाह वाह, आवाज़ तो आई नहीं रही इसमें। क्या शानदार आवाज है। यो कितने घंटे चल गया होगा देखो मीटर में,
1440 लवाई है अभी तो भाई यो है हाथी ट्रैक्टर, बड़े बड़े फार्मों के लिए है। भाई यो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार।